मुश्किल मेरी तो हल करो, मुश्किल कुशा अली। जहां हजरत ताता गंग बख्श फैज आलम का दरबार है, ये वो अजीम हस्ती है जहां से लाखों दीवाने फैज याब हुए। बादशाही मस्जिद, मुसलमानों की वो इबादतगाह जहां शहंशाह से लेकर फकीर तक ने खुदा के हजूर सजदा किया। बादशाही मस्जिद के पहलू में ये मजार उस अजीम शायर का है जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और इसे हकीकत का रूप दिया। हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जना ने सदियों से खड़ी इस तरह दीवार का नाम शाही कला है। मुगलों की अजमत का निशान, ये वो तारीख साज जगह है जहां बहुत सी पाक हस्तियां दफन हैं और इसी मकाम के साथ एक ऐसा बाजार है जिसे लोग शाही मोहल्ला कहते हैं। इन बाजारों की रौनक शुरफा से है। Oh, yeah.
قانون دے محافظ ایس بازار نو ہر روز بند کراندے نے ایک بجے دے بعد باہر تسی ایس بازار نو ہمیشہ لئی کیوں نہیں بند کراندے سانو جو آڈر ہے اسی عہدے تے عمل کرنے ہیں آڈر تے سانو رشوت لین دا نہیں ہوندا پر تسی رشوت لے لیندے ہو اور تانوں مجرمانو گرفتار کرن دا ہوندا ہے پر تسی بے گناہاں پھڑ لیندے ہو ہر کم کر جاندے ہو پر نیکی دا کام اس لئی نہیں کردے کہ تاڈی پیدا مر جاندی ہے اوئے خدا دا واسطہ جی اس گناہ دے بازار نو ہمیشہ لئی بند کر دیو جتے باپ بیٹی دا تے بھرا بہن دا مجرم ویکھدا ہوئے جتے ہر روز شریف آدمی تماش بین بن کے آندا ہے تے بے غیرت بن کے واپس تو جانو بند کر اوئے اوئے آواز تو نہیں دبا سکتا میں چیخ چیخ کے کہاں گا بازار بند کرو ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦੂਏ ਅੱਗੇ ਧੋਤੀ ਟੰਗ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੂਰਿਆ ਸੋਚ ਹੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਾਲੋ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ओहो तू कोई जुर्म नहीं कीता सच बोलिया शमशाद बाई दा कतल इस बाजार दा सब तो वड्डा नुकसान है हां पालो एक कोठा बंद नहीं होया इस तरह लगता है जिवें साडे रिज़क दा बुआ बंद हो गया देखे ना चौधरी सुलेमान वर्गे तमाशबीन थे इस बाजार च कदे कदे आंदे ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜੰਗਲ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਆਸੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਹੈ ਜਦ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ بے گناہ نہیں گنہگار ہوں ਨਹੀਂ
सुलेमान दे बच्चे दी मां बना ला लिए मुबारक हो चौधरी सुलेमान साहब अपने तो आपको भीड़ दी है कौन क्यों होंदा पी की बाजार भी जमे तासी कंजर लोग देगा पकेंदे ऐंडा क्या प्रोग्राम हराम कड़े नहीं खादा कोई डिस्को शिस्को दा प्रोग्राम नहीं बना होना और मैं देखना ये है कि चौधरी सुलेमान साड़ी बिरादरी की शामिल के में नहीं होता बिस्तर पे सुकून लेने वाला तमाशबीन अब अपने अंजाम से डर रहा है माशूक के पैरों में घुंघरू देखकर नोटों की बारिश करते थे तुम अब अपनी बेटी के पैरों में घुंघरू देखकर चीख उठे हो तुम मारन वाला पंछी आज दिन दे जाने निच की लेना है अपनी इज्जत लेने जिसने बुराई के इस बाजार में बर्दाश्त नहीं कर सकता आज ये बाजार तेन ऐसे बुरा लगन लगते है कि एक दुकान ते तेरी इज्जत का सौदा विकन लगा है शमशाद भाई अदब नाल गल कर तमाश भी ना शायद तू इस बाजार दे कानून रिवायत ते दस्तूर तू वाकिफ नहीं वे इस बाजार च ओही कुछ हुंदा है जो असी जाने हां चा अपनी हवेली चुप करके बह जा मैं कसम खानी हां अपने पेशे दी ती जवान होई ते बखरे दा हिस्सा हवेली च पहुंच जाएगा शमशाद भाई Thank you.
नोटों को देखकर खुश होने वाली ये तबाही, आज मौत को देख के घबरा क्यों गई है? ये मौत तेरे गुनाहों का इनाम है। नाम? जी नूरा। पेशा? पेशा हार बेचना। कभी मैं भी तमाश भी इंसान, नोटा या काफियां पखे न मार के बड़ा खुश हूं। देख दें, दौलत भी एक बेवफा तवायफ की तरह मेरे नाल धोखा कर गई, ते फिर मैं अपने जिल्लत ते अपने पेट की भुख मिटाने ले हार वेचन लग पिया। सलमान से तुम्हारा रिश्ता? ओहो ही जरा कोठे ते आने वाले हर तमाशबीन का एक हार वेचन वाले नाल हुंदा है। ये बताओ नूर मोहम्मद के सलमान ने नीलम बाई की वालदा को क्यों कत्ल किया? इज्जत ते गैरत की खातर नीलम बाई दे बदन चो एक बच्ची पैदा हुई जा साहब, जिन्हों सलमान उस कोठे तो वापस ले जाना चाहता सी, पर कंजरां दे कोठे ते लुटाई हुई दौलत ते पैदा होने वाली औलाद कदे वापस नहीं मिलती। इसलिए सलमान ने नीलम बाई दी मां नगीना बाई नू कत्ल कर दिता। दूसरा गवाह पेश किया जाए। सलाम अलैकुम सही। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम दलावर महमूद अल मरूफुल्ला। पेशा? खामना। उस बाजार च आने वाले हर तमाशबीन को अपने सिर का ताज बनावना। ये बता, कत्ल तुम्हारी आंखों के सामने हुआ? जैसे ही सारा खून खराबा मैं अपनी इन इज्जतदार अखा के नाल डिठे। एक गल तो आपको दसा, हराम कदे नहीं खादा। ये जरा सलमान है ना डाढ़ा अनाड़ी तमाश भी नहीं, जमीन ते खलोते आसमान ते कमंदा सड़दा पी। एक गल तो आपको दसा ही वकील से, ये जड़ी तवाफा होंगे या दिल बहलावन कीते होंगे, घर सजावन कीते कोई ना होंगे, को तमाश भी इन तवाइफ को दें दें उसको अपने हाथ की लकीर बनावन का फैसला कर दें। पर होंदा वो है जरा सदियां तो होंदा आया जाय साहब, सलमान की तरह पहलों भी कई तमाशबीन ने या बाजार चो आदम दियां धियां को कढ़न का चारा कीते, पर उन्होंने मिले क्या है? रुसवाई, बेरुखी, जेल, फांसी का फंदा या मुकद्दर होंदा है तमाशबीन का? तब बाजार च वापस आंदे तवाए फांडिया। वकील साहब कड़े खिदमत का मौका तो दियो जनाब, हराम कड़ी नहीं खादा को करो। वकील साहब मुझे फांसी लगाने के साथ तुम्हारे इंसाफ का पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो बाजार बंद नहीं होगा जहां मेरे जैसे इंसानों को औलाद पैदा होने के बाद अपना अंजाम नजर आता है। अगर इस समाज को पाक रखना चाहते हो तो बंद कर दो वो बाजार जिसकी गंदगी इंसान के पाक जिस्म को नापाक बना देती है। बस कर दो लाइसेंस एक मासूम औरत को चादर और चार दीवारी से निकालकर कोठे में बैठा देती है और उसके नाम के साथ बाई का खिताब लगा देता है। तमाम हालात और वाकियात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नगीना बाई का कत्ल मुल्जिम सलमान।
दस्तूर अनोखे इज्जत वाले लुट दे जाए गैरत दा नीलाम केड़ा कराए ए गलियां के बाजार कितने सजाए ए गैरत दा नीलाम केड़ा कराए जेड़े गलियां के बाजार कितने सजाए ते गैरत दा नीलाम केड़ा कराए जड़े थे आंदे में आंदी खातिर नहीं पूछ दे कि कर दे नोटा दी खातिर बेनूर बेरंग ते दर्द चेरे कितने सजाए ते गैरत दा नीलाम केड़ा कराए सौदे रकम को लड़ाई सौदे रकम को लड़ाई ए मजबूरिया ने कदों बेहयाई ए मस्जिद दे मीनार तक नजर क्यों ने आए गलियां ते बाजार आए ते गैरत दा नीलाम केड़ा कराए जड़े इज्जत वाले ने इत्थे लियाओ बुलाओ ते उना सब कुछ बताओ गलियां ते बाजार कितने सजाए ते गैरत दा नीलाम केड़ा कराए लगन वेख के सानू यकीन हो गया कि तू अपने खानदान का नाम जरूर रोशन करेंगी। मां साड़ा भी कोई खानदान है? हां बेटी तवायफ का खानदान उदे कुंगरू होते ने जेड़े तमाशबीन वांगू बेवफा नहीं होंगे। ये तवायफ के पैरों चो उतर भी जान अपना
निशान नहीं छड़ते। तवायफ का खानदान एक तबला है जिदी थाप से तवायफ जदू नचती है तमाशबीन ओदियां उंगलियां से नचते ने। तवायफ का खानदान इस तार है जिदी तार जदू छिड़दी है तो तमाशबीन के दिल की धड़कन बंद हो जाती है। पर मां तमाशबीन खावन ते तवायफ पीर क्यों नहीं बन सकती? नहीं बेटी, तवायफ अगर बीवी बन जाए तो एक मर्द गुलाम, अगर मशूक बन के इस बाजार च बैठ जाए तो सारे मर्द ओदे गुलाम होंदे ने। की सोच रही है रीना? जमीन ते खलो के आसमान ते कमंद पाई है, सोचनी है अंजाम की होएगा। शायद तो मैंने अपना प्यार नहीं तमाशबीन समझनी है, जड़े रातां खरीदे ने ते दिन दे उजाले विच शरीफ बन के पहचानन तो इनकार कर देंदे ने। मैंने तेरे प्यार दी कसम रीना, मैं उन्हां मरदां चो नहीं। सचू? हाँ रीना, मैं अज तेरे शक नू सच बदल देंगा, मैं तेरे नाल निकाह करांगा। अच्छू, तू एदे नाल निकाह करान तो पहले ऐ ते सोच ले, ऐ मेरी सारी जिंदगी दी कमाई है। तू सारी जिंदगी बगैर बन के अपनी बेटी दी कमाई खाती है ते हुन मैं एदा खामिल बन के एनू अपने खून पसीने दी कमाई खोवांगा। चल रीना। मैं भी चुगत्तियां दे वेले दा कंजर आ, मैं अपनी पूरी कंजर बरादरी नू कट्ठा करांगा। जे ऐ निकाह हो गया ते मैनू कंजर किन्ने आखना है। मैं क्या कल तो दसो सारी कंजर बरादरी रल के थाने गई है, तू क्यों नहीं गया चाचा दुलिया? तुसी ते मल्ले चौधरी हो। इंदे च कोई शक काहे नहीं पुत्र, ओए गल ए है कि सारे लोग गए थाने, मैं ही चोर वेंदा इथे कारोबार ते कौन खड़ोंदा? पर फिर भी तुहानू जाना चाहीदा सी जी। देर नहीं दिया बचिया, गल ए है कि मैं इथे ना होंदा, मैं ही चोर गया होंदा तां मेरी गैर मौजूदगी च इथे कोई तमाश भी ना आवेंदा, मैं तू ना पा के मायूस लौट वेंदा हुंदा जिम्मेदार तुहाडा प्यो है। सिकंदर और मुदे तुआ को समझा के भेजे, वरीना बाई को घिन के होने आदि हो सन, समझ गई? दूई गल है कि इलाके का जो थानेदार है ना। असि इतने बैठन नहीं, नहीं उसके से बारे गल करना है। ऐस मामले में कुछ नहीं कर सकता, ऐस लिंग के भी बेटी बालक है, उन फैसला करने का पूरा पूरा इख्तियार है। ये फैसला नहीं, इस बरादरी की बर्बादी है। वो किन्ने पैसे मिल रहे सन उदी नट खुलाई का? लख रुपया। सीधी तरह क्यों नहीं कहता तेनों अपनी बेटी के जान का दुख नहीं, अपनी रकम तो बंदा सोच है। मेरी बेटी मेरी जिंदगी की पूंजी है इंस्पेक्टर साहब, जिन्हों एक शरीफ शराफत की जमानत देगे ना ले गया। जो ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब, तवायफान इसी तरह शराफत मिलने लग पाई तो बाजार वीरान हो जाएंगे, साढ़े तन से चंगा कपड़ा नहीं मामूली खद्दर आ जाएगा। कोई इंस्पेक्टर साहब, कोई छेती छेती यदि बेटी इन्हें दिवा दे, इतने वो शरीफ मोदी नाल कोई बदमाशी करके उन्हें अपनी पीढ़ी बना लेगा। ये तो नेकी का काम है, शरीफा ने कदम बहुत पहले चुक लेना चाहिए ताकि गंदगी हमेशा लिए खत्म हो जाए। ना पुल इंस्पेक्टर, सानू ते बैन का लाइसेंस तेरे कानून ने दिता है, ऐसे लिए साड़ी इबादत करना तेरा फर्ज है। मैं जुर्म ते गुनाह मुकाने लिए वर्दी पाई है, कन्या के दरवाजे के पैरों देने लिए नहीं। तू ना ऊंचा बोल बुदिया ना,
गलती तो साड़ी है कि अस चार शरीफ आदमी ना लिया के ये को इंसाफ मंगण आए हैं। सानू पता है कि इंसाफ नहीं कुछ होर मंगता है। हम असी उस कुड़ी शराफत कर लें बदमाशी नाल लेके आवांगे। जे मेरी धी भी ना बाजार च वापस ना आई तो मैं जीवते जाने मर जावांगा। वे हौसला कर हौसला कंजर बरादरी तेन मरण नहीं देगी। जीना इस बाजार वापस आना ही पड़ेगा। शरीफ की ऐसी दिता थी जिन्हें साढ़े बाजार की रौनक न अपने घर की जीर बना लिया। एक कम खेती होना चाहिए है अपनी दहशत का हाथ रख देगा। बदमाश एक बारी साढ़े सामने पे आ जाए। तेरू बदमाश की लाश तू लंघ के भी रीना नू लिया प्या दहलीज से पैर रख दी जात किए हुई जिस दहलीज नदम जान ओ कर गुना की मंडी बन जाता है। उस मंडी विच हर गां दिल खोल के जा सकता है। एक कोठा नहीं मेरा घर है बदमाशो। तेरे इस घर कोठे की शक्ल अभी देंगे। इन्हों पैरों च बन के बहुत कोठे वाल तुर पाओ जितू तेन कोई शरीफ नहीं मौत ही वापस लिया सकती है। वो कोठा मेरी कवर है इसे मेरी लाश से जा सकती है पर मैं नहीं। जिद छड़ दे जिद शराफत की चादर लैके जीना तो आइफा का नसीब नहीं हुंदा। ओए तोइफा माना तो नहीं टिकिया ताडे वर्गे मर्दी कमाई खान लई औरत नूं तोए बना दिंदे ने। बकवास बंद कर। शरीफ है इन्हें साढ़े बाजार तो वाइफ को कटन की जरूरत की है। जरूरत नहीं नेकी की है जिसे तो मैंने कोई नहीं रोक सकता। बदीज बदल देंगे। आ
ਵੀਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੜ ਕੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਲੇ ਕਦੀ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। मामूली बदमाश इच्छो नु तो डुब के मर जाना चाहिए। बदमाश वो तूफान है जो जेने इस बाजार की कोई तबाही अपनी जाली नहीं फसा सकी। फिर उस मुंह जोर कोड़े नु लगाम मैं पावांगी। आज तो ये कोठा बंद। एक ही कह रही है कि कोठा बंद हो गया तो मैंने इस बाजार किसी ने चाले भी नहीं पूछना। वैसे भी बैठे अब मेरी तो उस बदमाश दी कोई जाती दुश्मनी ते नहीं उते सिर्फ बरादरी की इज्जत नहीं मैं रीना बाई नू वापस बाजारी लियाना जाना सा जेदे लई पीयू ने मेनू बेइज्जत कीता। तेरी बेइज्जती का बदला ना लिया ते मेरा नाम भी इच्छो बाई हुन उस दिन एथे मुजरा होएगा जिस दिन बदमाश मेरे कोठे दे हार वेचेगा। नहीं कभी नहीं हो सकता। वीरू गुनावा जी उस दलदल कभी पैर नहीं पाएगा। मैं सारी जिंदगी हराम कड़ी नहीं खादा तो हराम को मेरे आवन नहीं देता। पीरू साईं इच्छो दे डेरे ते तू कोई गुनाह करन नहीं नेकी करन की ते जावने। इच्छो दा पीऊ जे रहे उन्हें को जबरदस्ती जिसम का कारोबार करावा चाहे। नफरत उन्हें इस धंधे को यो कहना चाहना है ना। पीरू साई वाह मैं तो आपको बदमाश समझता रहा पर तुसी तां विचों नजूमी वे। बकवास बंद कर रहे बस लगन दा ना है सीधा जहर चिस 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 में चुकर जाए ओ जिसम पलीत हो जाता है। पीरू नाल लेके नहीं है आराम कड़े नहीं खा। मैं पीरू को डाढ़े चक्कर देते लेकिन वह तो परा से पानी नहीं पवन देता। हुण इच्छो बाई का क्या बन सी। तू फिक्र न कर उदे वास्ते कोई दूजा रस्ता अच्छा ला
ਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚਾਂਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਿਗ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆੜ ਚ ਹਿਰਨ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਹਿਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਿਰਨ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਪਿਜਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਓ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨਸਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਫਾ ਹੋਣਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਵਾ ਗਾਤਾ ਜਾ ਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਮ ਕਾਦੂ ਕਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਐ ਨਾ ਆਖੋ ਬੁੱਢੀ ਖਜੂਰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਭੱਕ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੰਦੂਰ ਸਾਡੇ ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਠਾਕੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਰਕਸ ਲਈ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਨ ਭਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਹੀ ਭਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਵੀ ਭਰਵਾ ਲਾਂਗਾ ਕੰਨ ਸਾਨੇ ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਅੰਨੀ ਕੁੱਤੀ ਮੈਂ ਨਰਗਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ ਹਰਾਮ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟਪਾਵਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵੇਂਦਾ ਪਈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅੱਪਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਉਸ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੁੱਲਾ ਕੰਜਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਵੇ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਰਾਮ ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਨੂੜ ਚੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦੇ ਹੋਣੇ ਬਸ ਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆਵਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਵਾਏ ਕਦੀ ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਈ ਕਦੀ ਰਿਹਾਨੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾ ਚੋਰਾ ਕੀ ਚੁਕੇ ਇਸ ਸਾਜੋ ਇਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ
शरीफा ने इस कुरान अपने घर झूठिया कसम खान रखी है ते असी गुनागारा ने पढ़न नहीं। तू पेशावर तवायफ है जिन्हों गुनाह ते सवाब दी कोई तमीज नहीं। हाँ मैं तवायफ हाँ पर तुसी ओ शरीफ हो जेड़े सुबह मस्जिद ते रात में इस बाजार च होंदे हो। इस बाजार च शरीफ नहीं तमाश भी न देने। जे तू एडा ही शरीफ है ते गुनाह दे इस बाजार च की लेना है। कानून मेरा पीछा कर रहा सी जेदे तो बचण लई मैनू ये नापाक दलीस पार करनी पई। तो जो तू इतने में कुराने पाक वेख्या तो मेरे पैर थलों जमीन निकल गई। कसूर जमीन दा नहीं तेरी गंदी सोच दे इस लई ऐसी जमीन ते बादशाह मस्जिद भी है ऐसी जमीन ते गुनाह दा बाजार भी है ऐसी जमीन ते यजीद ने जुल्म दा दरबार ऐसी जमीन ते हुसैन दा मजार है ऐसी जमीन ते बुत खाने ते ऐसी जमीन ते खाने खुदा भी है। बस कर दे बस नहीं तो मेरा कलेजा फाड़ जाएगा। आज मेरा ईमान ताजा हो गया गुनाह दिया सनेरे च ईमान दिया नहीं रोशनी। कुरान किसी दी मलकियत नहीं ये हर वस मुसलमान दी जरूरत है जिन्हों कबर दा हनेरा याद तगड़ा हो जा पहलवान तेरा ते साडा सांझा दुश्मन तीरू आ रहा ही। फिक्र ना करो मियां साहब आज मैं तीरू दी जिंदगी दा मेन सुच हमेशा लई ऑफ कर दियांगा। कामी नू साड़ी बुझ दी ना समझ मैदान चो मार खा के नसल वाले नू बहादुर कहना भी बेवकूफी। इच्छा भाई साड़ी ताकत एक दिन पीरू नू इस दुनिया दे चानन तो महरूम जरूर करेगी। वो दिन डुब्बा जदों कोड़ी चढ़िया कुब्बा तेते जी साडा झूठा खान वाले दे हत्थों पीरू बदमाश नहीं मर सकता। मियां गुलरेज पीरू दी छाती को लोहे दी नहीं जेदे विचों गोली ना लग सके
पीरू नू मारन लई बड़ा हौसला चाहिए। मेरा नाम ही छोबाई अब्बा। जिस दिनों मेरे चाल फस गया मैं उन्हें बदमाश तो फकीर बना दिया। मैनू तो फकीर बना दिता है मेरी चीज ने। वो जिद कर बैठी है कि उदो तक बाजार आबाद नहीं करेगी जदों तक वो पीरू नू जलील नहीं कर लेंगी। तैनू याद सुलेमान चौधरी का नीलम बाई वाला केस। वो कंजरी ता बदमाश थी जंग दा अंजाम बड़े चंगा नहीं होया। जिले के इंस्पेक्टर नू नू मंगी कीमत दिती है। उन्हो पीरू नू एहोजिहा तंग करेगा पीरू रात छटके नस जाएगा नस। असले में जाए इस्तेमाल से पहली दफा लग दी है साहब। तेरा रीत है तो फिर तू अपने खिलाफ पर्चा कट ले साहब। ऐसे के तू कानून दे दिते हो हथियार का नजायज इस्तेमाल किया। जे मैं अपने अहदे का नाजायज इस्तेमाल करता तो इस वेले तेरी लाश या खून ना रंगी होती। पर मैं कानून हाँ। मैं भी मुजरम नहीं। बदमाश के हैं पर वो बदमाश नहीं जरा जुएरी तरी से कतल कर देंदा है सिर्फ अपनी नाल नहीं। ओ बदमाश नहीं जरा चौंक च फायरिंग करता रंग भरती रही तिया पैर से असर पाता उन्होंने छेड़न लई। वाह एक बदमाश के मुंह च शरीफ की जबान। एक बहादुर नू बदमाश का खिताब तेरे कानून ने दिता साहब। तेनू बदमाश से शरीफ की पछाण ही नहीं। सियाने सच कहते ने कानून अन्ना होंदा। पीरू सिर्फ सोने लफ दोदे रसूल नू मनदा ही है जरा तेरे कानून करो नहीं डरता। अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह ड्राल नहीं सिर्फ एक कहना आया कि आज तो बाद तेन हर रोज थाने छागरी देनी पैगी। अशहदु अल्ला इल्ला अल्लाह तोले रब दे तकबर दी आवाज तोली सुनी पहला अपने अमले समेत रब दे दरबार च हाजरी दे ओए। पीरू आप तेरे थाने च हाजरी लुआला जाएगा। पीरू पीरू दा नहीं आए ए सोने रब दा हुक्म है तेरा तेनू मनना पवेगा। मेरा रब दिल च पंज वारी तेनू बुलावे ते तुसी एक वारी भी ना जाओ तू किसे बर्दाश्त नू और एक वारी बुलावे जो सौ वरी हाजरी देंदा दस होए तेरा रुतबा मेरे सोने रब नालों वड्डा है। तेरे थाने दा मर्तबा इस बतीत नालों उच्चा है। और साहब ते थाने दे रजिस्टर ते मेरी हाजरी चाहना है। तेना सारे नू कहो सोने रब के सजदा करके अपने गुलामों की माफी मांग लैन और माफ करने वाला भी है। आओ भाई सब नमाज पढ़िए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला। वाह पीरू वाह बदमाश भी होए ते वरगा ते मुसलमान भी होए ते वरगा।
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Dardine, dardra, dardra, dardra. Mainu inje lagda hai, jive mainu 18 di bimari ho gayi hai. اج اس وقت دے بازار وچ میں تیری عزت دا دار کر دیاں گا اگے والا کچھ نہیں کچھ نہیں کڑی چھڑن دے اساں سچ صاحب اے میری عزت دا دار کرن آیا سی اے سمجھ لے تسی شوٹنگ نہیں ہوندی کٹ کٹ ریکارڈنگ شوٹنگ فلمی شوٹنگ اب باقی دے فلم میں تنے ٹھاڑے کر کے دکھاواں گا اگے لگن اے فال والے نو چوہدری سلیمان तेरी मुलाकात आई है। मेरी मुलाकात कौन हो तुम? तेरा खून। मेरा खून? तेरा खून जरा ना ही तेरी गोदी खेड़े है ते ना ही तेरा प्यार नसीब होया है। मैं तेरे भरा चौधरी अदनान का बेटा उस्मान है चाचा उस्मान जुबानी सोचा सी कि मेरा कोई चचा भी है तो मैं थोड़ी मुलाकात ही आ गया बेटा तुम्हें मेरी मुलाकात को नहीं आना चाहिए था अगर तुम्हारे सिद्धि बाप को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी कयामत कयामत पे आ गई है जिस खानदान की गैरत बाजार इस कंगरू बन के नचती होवे इस तो वड्डी क्यामत की हो सकती है उस्मान ये क्या कह रहे हो तुम मैंने उस बाई का ना दस चचा जिदे कोठे दे साड़ी गैरत कह दे नहीं तुम उस बाजार में नहीं जाओगे और ना ही मैं तुम्हें उस नागन का नाम बताऊंगा ठीक है चचा तू मैनू उदा ना दस ना दस मेरी गैरत अपने घर की इज्जत नू ते मेरा इंतकाम उस नागे नू आप ही लप लेगा जिस तरह ने एक तरह से खातर सारे खानदान नू छड़ दिता है अजय तो सिर्फ मुलाकात की थी अबा जी वो वक्त भी आने वाला है जब मैं वो खून वापस लेके आवांगा हाँ अबा जी आप जो सजा औलाद नहीं मिलनी चाहिए वाकफ नहीं मेरी अरगा में थोड़ा दीदी खून है अबा जी तुम अपने असूले तोड़ सकते मैं खादी कसम नहीं तोड़ सकता निकल जा तुम ये करो मैं किसे नहीं अपने कबर नहीं बना सकता जा रहे अबा जी हूं इस कार्य उदो कदम रखांगा जब मेरे मोड़े ना मेरे चाची की तीख होती होगी रब दिन आने ते हो
ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਵਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਣ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਕਫਨ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਕੁਮਾਣ ਵਤਨਾ ਦਾ ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਤੁਸਾਂ ਕੁਮਾਣ ਵਤਨਾ ਦਾ ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਬੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਵਤਨਾ ਦਾ ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਤੁਸਾਂ ਕੁਮਾਣ ਵਤਨਾ ਦਾ ਅਸਾਂ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੋਠਾ ਪੀਰੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਾ ਕੰਜਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਕੇ ਦਾ ਕਫਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰ ਭਰ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਬਹਿਰਾਜ ਘੁੰਗਰੂ ਬਣ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਛਣਕਣਗੇ
जिस दिन पीरू बदमाश मेरे बुए ते हार बेचेगा ताई इस बाजार च मेरी इज्जत बच सकती। आज मेरी सालगिरह है, यह सालगिरह इस कार नहीं मनाई जाएगी, उस बाजार मनाई जाएगी जिथे दिन सौंदे ने रात जाग दिया ने। वेरी गुड उस्ताद जी, इसका मतलब है कि अज फजे दुकान तो पावे भी खावांगे। पावे अज असी पावे भी खावांगे, छोला भी पीवांगे, ते खुल खुलाओ के मुजरे भी होंगे। बस कर ओए बेताब खुस रहा, अज मैं भी वेखांगा ते कंजरी नोटा ते नचदी किस तरह। फिर ले पाऊ जे हकीकत जान गए तो यार की यारी नाल गर्त रख, वो तो ऐपा वल ना वेख। तेरे इन ऐपा ने मेरे प्यार के ताजमहल नू चूर चूर कर दिता है। मैं तेनू शराफत दा मुजस्मा समझना सा, पर तू तू गुनाह दा वो पत्थर निकली है जिदे ते प्यार दा सजदा भी नहीं किया जा सकता। झूठ बोलनी है तू, बाजारे हुसन बैठी हुई तवायफ होटल दी मैं सुन दी है जिदे ते हर गाक बैठ सकता है। तू ठीक कहने बहू, मैं इस कोठे पे अपने कुरुआ की छनका जरूर सुनाई है, पर अपने जिस्म में राख ने कीता कीता। मैं किवें यकीन कर लवां तू तवायफ है जिदी अख बदीद दिल मुर्दा ते जबान झूठी होंदी है। साडी जबान झूठ बोलन दा फल तुहाडे वर्गे मर्द सिखांदे ने जिहड़े इस बाजार च तमाश पीन दे रूप जांदे ने ते अपना खून दे के टर जांदे ने। शरीफ औरत कार च भुखी बैठी मर रही होंदी है ते तुसी लोग तवायफां दे पैरां च डिग के अपनी जिंदगी की खैरात मंग रहे होंगे हो। जो दवाए तरस खा के शराफत की खैरात मंगती है तो तुसी लोग शरीफ बन के मुंह मोड़ लेंगे हो। मैं उन्हें मर्दा चो नहीं, हर मेरी बाह तू ले जा मन इस बाजार चो। पोतर मैं हराम कड़ी नहीं खाता, जे मेरी थी या बाजार को छोड़ के जाना चाहती है तो एक ले जा, लेकिन इंदिया तालीमा ते खर्च होने वाली रकम मैं को दे दे। स्कूल वाले तालीमा कोई कहीं नहीं, जेड़िया तालीमा उस्ताद आई को दी थी उन्हें तो बनता है रुपया 5 लाख, वह मैं को दे दे तो एक ले जा। मैनू ये सौदा मंजूर है, हराम कड़ी नहीं खाता। घाटे का सौदा किया तुलिया, मैनू तो तू कंजर ही नहीं लगा। कंजर कहीं जात का कोई ना कहे नहीं, कंजर तो उड़ा होता है कन जेड़ी गल को जर जाए, वो आधे कंजर। क्या आधे कंजर? बेशक तू तो डहना नहीं चाहता रही, पर दुलिया तू अपने हथी सोने की चिड़ी ने इस कोठे तो उड़ा दिता, भुखा मरना चाहना। वो जी सोने की चिड़िया है वह बेवकूफ तमाशबीन के घर धाना पानी की रूटी पे गई है, गई तो बेपना खामोशी ना ले, लेकिन जब वापस आसी तो पूरा बाजार देख सी पूरा बाजार। ऐ तेरी भूल नहीं दुलिया,
जिन माशूक एक बार इस बाजार चो चली जाए वो वापस बाल बच्चेदार बन के आंदी है तो जिसम से क्लीयरिंग सेल का बोर्ड लग जाता है जेड़िया ट्रेन का मैं नगो को डिटिया है उन हज बेवफाई दा जाहिर है लेकिन वफा दा शायद कोई काय नहीं फिर गलती कर रहे अंदर लिया वाइफ नू सच्चा प्यार हो जाए ते फिर कोई सैर ओदे प्यार दे नशे नू नहीं मार सकता आप रुक बह जा मैं कोई बैल नहीं ओ वजह पूछण आया मां जिदा नहीं तू मैनू याद किया सवाल मेरी अखां विच है पढ़ के जवाब तू दे दे मैं इश्क दी किताब पढ़न वाला तालिब इलम नहीं कलाशनकोफ नाल खेडण वाला बदमाश हां तेरी ये बदमाशी मेरे मत्थे तो बदनामी दी कालक मिटा सकदी पीरू तू मैं बाजार बंद करना चाहना है ते मैं कोठा कोठा बंद हो गया तुहाडे लोकां दी रोजी बंद हो जाएगी बेगैरती दी कमाई मैं इज्जत दी रोटी खाना चाहना ਕਿਲੋ ਹਰਾਮ ਖਾਨ ਦੀ ਆਦੇ ਪੈ ਗਏ ਹਲਾਲ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪੀਰੂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਛੋ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇੱਛੋ ਉਹ ਸ਼ਮਾਏ जेड़ी जल पाई तब परवाने साढ़ वैसन परवाने साढ़ जानगे ते पीरू वर्गे बदमाश मर जानगे मर जानगे और रब करे जो तू आधा पी हुआ सच हो जे तो कोई खौफ देखे या किसी दुश्मन की साजिश है मेरी इच्छा मेरे नाल कीता है वादा नहीं तोड़ सकती उन्हें पहलवान जी ताड़े नाल कीता है वादा तोड़ देता जे सारा बाजार कह रहा है आज रात नू इच्छो दा मुजरा भी है जे इच्छो ने मेरे नाल कीता है वादा तोड़ दिता तेनु सोए रब दी मैं ना कुंगरों गुनावा की कबर की दफन दैन दे पीरू सारे बाजार नु कब्रस्तान बना देगा कसूर मेरा है बाजार का नहीं तेरा दिल मैं तोड़िया तू पीरू नाल खादी कसम तोड़ी इच्छो तू मेरे को शराफत मंगी मैं तेन अपनी इज्जत बनाया हम पीरू की इज्जत इस बाजार से लटे कदम नहीं हो सकता ऐ सब कुछ होएगा पीरू इच्छो तू कौन है मैं रोकने वाला ये रिश्ता है तेरा मेरे नाल मैं तेरे नाल प्यार करना वा इच्छो बदमाश होके रह गया तवारिस नाल प्यार नहीं व्यापार करीदा सिर्फ व्यापार तवारिस ना है झूठा तवारिस ना है धोखेदा तवारिस उस हवा दा ना है जिदा कोई रुख नहीं होना मैं ते तन तुआर समझना सा इच्छो पर तू ते घड़ी दी उस छोई निकली है जेड़ी कदे किसे किसे ते टिक के नहीं खलोंदी कसूर तेरा नहीं मेरा है तेनू यह भी याद नहीं सी दिया के नीचा दी अशनाई कोलों फैस किसे नहीं पाया ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जपाया पीरू
ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸਵਾਈ ਸਮਰਥ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਔਰਤ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਸਲਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਬਦਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹਰਾਮ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੁਸ਼ਰਾ ਹੱਦ ਦੇ ਵਾਰੀ ਪਵਾਉਣੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਧੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਰਵੇ ਮੈਂ ਜਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਤੇ ਜੁਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਧੀ ਔਰ ਜਵਾਈ ਕੋ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਡਰ ਗਏ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਰਾਮ ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੂੰ ਜਮੋਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਅੱਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੜੀ ਪੋ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਲੈਟਰੀਨ ਜੀ ਬਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਕੰਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਐ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਪਤੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੀਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਫਰ ਕਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰੁਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਈ ਚੌਧਰੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਈਦਾ ਕਿਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੂੰ ਪੀਰੂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਬਾਊ ਪੀਰੂ ਭਲਵਾਨ ਕੋ ਸਾਡਾ ਪੀਰੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰਾ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਮੇ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਭਲਵਾਨ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਾਨ ਗਿਆ ਆਇਆ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਾਤੀ ਜਾਣੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਡੋਬ ਦੇਗੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਯਾਦ ਖਾਬ ਸਾਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ
सजा मुक्ति है। नहीं, बढ़ गई है। कहाँ है मेरी बेटी? पुराने तमाशबीन एक भी भूल गया कि बाजार हमेशा रात में खुल ये तवायफ अपने टैम वाले कमरे च मिलती है। नीलम पहले भी देखो शरीफा एक गाल कड़नी तो ऐस करके भूल गए कि हूं ये खिताब तेरी बेटी में नानल नहीं लगे। खुदा का वास्ता नीलम मुझको तरस खाओ। पुराना गाक होने देना ते मैं तेरे ते इन्ने तरस ते जरूर खा सकनी हूं कि तेनू तक्के मार के कड़न की बजाय हुक्म देनी हूं कि तू आइंदा कभी इस कोठे वाल मुंह ना करी नहीं ते मैं तेरी इज्जत नू इलाम कर देंगी। हाँ अज तक नरेत सा पर अज अज चानन ने जा गया ते भी जान गया कंजरी ते मक्खी कदी एक जगह ते टिक के नहीं बैठी। जे समझ गए ते फिर मेरा रास्ता छोड़ दे मैं जा रही हूं। जान तो पहला अपनी और निशानी भी लेंदी जा चिड़ी में इस वक्त ने साम के रखी थी। बेगैरती का यह लाइसेंस अपने पैर च बन के उस बाजार जाई नहीं तो तेनू शरीफ सादी समझ के कोई दखल नहीं आन देगा। शाबाश पुत्र शाबाश मैं दे गया कामयाब हूं तो ढाढ़ा खुश तू कू तमाशबीन को कंगलिया करते मैंने सबक उसके अमल की से कि खाओ तमाशबीन दा तो गोल गाओ ही बाजार दे। मैं उन्हें तवाइफा सुनू जिन्हें अपने एक यार ले अपना सारा खानदान पुकते हवाले कर चंदिया ने तलाक लेके वापस आ चंदिया ने तलाक के कानून मैं भी दे रहा हूं नगो भाई मैं अपने कार तेनू सिर्फ इसलिए नहीं सी मारिया कि मैं तेरे गंदे खून नाल अपने पाक कानून नापाक नहीं करना चाहना सा ते अच्छे तेरी मौत बन के इसलिए आया कि तेरा अंजाम देख के कोई भी तबाह किसी शरीफ आदमी नूं नाकन बन के नहीं बन सकेगी। मैं तेनू तलाक देना तलाक देना तलाक देना नसदे दे वाले साहब जिन्हां नूं मौत दा खौफ होवे मैं ते रसा चुम के गल च पावांगा। मैं इस बाजार चो गुनाह मुका के जा रहा गुनाह करके नहीं। तेरी बेटी दा कतल इस बाजार का सब तो बड़ा नुकसान है जी। कतलो गारत ऐसे तरह होंगी रही
फिर तो एक दिन वो बाजार बंद हो जाएगा। जब बाजार बंद हो गया तो माशरा सानू शरीफ हम पे मजबूर कर देगा। जैसे शरीफ हो गए इस बाजार दिया रौनक खत्म हो जाएंगी। जिस बरान और बर्बादी को बचाना चाहते हो इस बाजार चो शरीफा का दाखला बंद कर दो। नहीं, शरीफा का दाखला बंद नहीं हो सकता। कोई बेवकूफ हो ये बाजार से आबादी शरीफा दे दम ना ले। शरीफ किदे शरीफ ने ये अपने खून नाल खेल के नोटा नाल पार दें देने। नोटा नहीं तू मैंने किसी ऐसे तमाशबीन दे वास पा देंगा जिदी शक्ल वेखण नूं जी नहीं करदा। सानू नोटा नाल गरज हुंदी है शक्लां नाल नहीं। नोट ते मैं तैनूं इन्ने कमा के दित्ते ने कि तू चाहे तो शराफत दी जिंदगी गुजार सकना है। ए ना भुल बेटी मेरे वर्गे शरीफ कंजर की चोली फकीर दे कासे दी तरह सदा खाली रहती है। तेरी चोली नोटा नाल पारन लई मैं अपना जिस्म फरोख नहीं कर सकती। इच्छो ने अपना फैसला सुना दिता है इनू बदलने की कोशिश ना करी। बिल्ला बोले ते चक डोले जीना औखा कर देंगा। मैनू ए बुलबुल पिंजरे च उडदी नजर आ रही है गुर्रे मियां। पर कट देंगा पर कट देंगा इदा मुल कट जाएगा। इतरे हुई इन्हू मेरे हवा नहीं करते। हां गुरदेव मियां हां मैं बाजार च क्या सबक सिखावांगा। फिर कोई तवायफ शरीफ सारी बरंदा खामी देखेगी। तू मैनू की सबक सिखाना है औरतों की कमाई खाने वाले बदमाशा। जिसम पे सजाया है तो फिर कफन बना दीजिए इंस्पेक्टर साहब इस वर्दी को उन जालिमों के लिए जिन्होंने मेरे जीवन के टुकड़े को बेगैरती बेहाई और बेशर्मी के अंधे धकेल दिया। पैरों में घुंघरू सजा के एक खिलौना बना के गुनाह की उस बैठक पे बैठा दिया गया इंस्पेक्टर साहब जहां वो खिलौना किसी रात ढूंढता है किसी रात चूरता है। बेटी को उस बाजार से वापस ला रहा इंस्पेक्टर साहब। मैं कसम खाता हूं अपने औलाद की कि तुम्हारे थाने की दहलीज पे सजदा करके ये साबित कर दूंगा कि अगर कानून औरत को इज्जत बेचने का लाइसेंस दे सकता है तो उसकी हिफाजत की जमानत भी दे सकता है। मैं इस मसले की तारीख कोई मदद नहीं कर सकता। मजबूर है मजबूर हो तो उतार दो कानून की ये बदी। किसके प्यार तुम्हारे पास नहीं है। खत्म कर दो इन थानों को जहां इंसाफ के बदले सिर्फ झूठी तसल्ली दी जाती और लगा दो इस कानून को जो शरीफों के खून को गंदगी के ढेर से निकालने की इजाजत नहीं देता। ये कैसा समाज है कैसा समाज है इंसान को अंधा कूड़ा कूड़ा बन के रहा। क्या आप इसके इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं वकील साहब। मुझे हर कीमत पर मेरी बेटी चाहिए। सब ठीक है लेकिन केस बहुत कमजोर है। जिन्हों अदालत पेश करके मैं अपने वकालत के नाते नाकामी का दाग नहीं लगाना चाहता तो फिर उतार दो अपने जिस्म से ये काला कोट जो तुमने सिर्फ सफेद पोशों के कपड़े उतारने के लिए पहना हुआ है।
वकील साहब, क्या फायदा इस काले कोर्ट का जो मुझे किसी कोर्ट से इंसाफ न दिला सके। मेरे मालिक, आज मुझ बदकिस्मत की भी सुन ले। वालदेन, अपनी औलाद के लिए जिंदगी की दुआ मांगते हैं, लेकिन मैं अपनी औलाद के लिए बद्दुआ मांगता हूं कि मेरी बेटी को मौत दे दे मेरे मालिक, मौत दे दे। उसके माथे पे लगे हुए बदनामी के एक एक दाग को बिठा दे मेरे मालिक, बिठा दे। मैं उसे नाचते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ए सजिया दुकाना में औरत कदों दे, ए सजिया दुकाना में औरत कदों दे, दुकाना ते मिलदी मुहब्बत कदों दे। एक दिन पिंजरे च तड़वट गए ने, एक दिन पिंजरे च तड़वट गए ने, जमाने ने ना दे प्रकट लेने गलियां बाजार, किसने सजाए ते गैरत दा नीलाम खेड़ा कराए। जड़े जतवाले ने इतने बाजार, किसने सजाए ते गैरत दा नीलाम खेड़ा कराए। ਸੰਗਰੂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਚਾਰ ਚੰਗਾ ਪਾਉ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਮਾਰੇਗਾ ਪੀਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਾ ਖੂਨ ਨਾਚ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਕੇ ਬਾਦ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬਾਊ, ਪੀਰੂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰੂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਪੀਰੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਚੌਧਰੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ? ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨੀਲਮ ਭਾਈ। ਇਨਸਾਫ? ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਰੂ? ਪੀਰੂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਪਦਾ ਰੋਦਾ ਰੱਖ ਲੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ। ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੀਰੂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਸਤਾ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਕੀਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬੀਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਬਣਨ ਲਈ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਕਫਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪਟਾ ਕੇ
तमाम होने का सबूत दिता है। तू बीवी तो अच्छी नहीं बन सकी, मां कैसे चंगी बन सकनी है? तू सिर्फ तवायफ है, तवायफ है, तवायफ है। हाँ हाँ मैं तवायफ हूँ। पर इस बाजार च रात गुजारन ते जरूर आंदे ने, पर किसी नाल जिंदगी नहीं गुजारते। मैनू अज भी मनोज सिंह याद है, सलमान की जेल जाने तो बाद मैं उसकी इज्जत लैके उसकी जिद फरा खुल गई तो उन्हें मैनू आख्या बुला दिया इस निशानी नू उसे बाजार वापस लै जानी। भाई ये शरीफों का कार है, जिते तवायफ का साया बर्दाश्त नहीं हो सकता, मेरा तो कहते खून नू पना किवें मिल सकती है। काल कड़न वाला ए शरीफ उस वेले मर नहीं जाएगा। जदों ये जवान हो गए कोठा सजाएगी। नीलम भाई, नीलम तेरे को शराफत का लाइसेंस लेना इसी चौधरी, पर तू तू किसी नु की इज्जत देनी है चौधरी? तू ते अपनी इज्जत की इज्जत नहीं दे सकिया। मैं जा रही हूं चौधरी, पर एक गल याद रखी, तेन तेरी शराफत एक दिन उस बाजार च जरूर लेके आवेगी जिथे नचन वाली नु तवायफ ते गाना सुनन वाले नु तमाश बीन कहते ने। जान तो पहले एक मेरी भी गल सुन ले, मैं अपने भरा की गलती नू अपने खानदान के शिजरे विच शामिल नहीं कर सकता। वे तेरे जे शरीफ दी ऐसी दी तैसी। दस पीरू कसूरवार कौन है? मैं ए माशरा जो खानदान जिन्हों अपनी शराब नाल दी प्यार सी पर अपने खून नाल नहीं। मैं या इज्जतदार जेड़े मैनू गान ते अपने खून में गुनाह समझते ने। तू चाहे पीरू कि सलमान का फोन इस कोठे से नजर ना आवे, जाके कौ शरीफ गिदरू नू इस कोठे ते आके तेरे को मेरी धी का रिश्ता मंगे, अम्मा उन्होंने खून वापस कर देगी। मां बन का फैसला कर ही लिया तो फिर अज मैं तेरे नाल एक वादा करना वा, ओ शरीफ से तेनू अपनी चलती खरैस मंगन ली तेरे बुए ते आना ही पवेगा। मैं समझ गया कि तेरे लिए किसी के सर का उतारना तो बहुत आसान है, लेकिन कोठे से मेरे खून को लाना बहुत मुश्किल है। मैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आया बाऊ, पर एक मां की सच्चाई ने मैं खाली हथान से मजबूर कर दिता है। एक नायका को तवायफ से खो सकता है, पर एक मां को ममता नहीं। वो ममता नहीं तवायफ है, तवायफ। तवायफ किसे सावतनी काल का नाम है बाऊ, तवायफ तमाश पीना नहीं होती है पर अपनी औलाद ले जन्नत होती है। दोजख की आपको जन्नत कहकर औरत के नाम को गाली मत दो पीरो। अनुकाल समाज ने नहीं तेरे अपने खानदान ने बुलाया, जिन्होंने तेरे खून में अपना खून मरण से इनकार कर दिता सिर्फ शराफत के डर तो। जय तेरा खानदान तेरे पास नीलम अपने घर की इज्जत बना लेंदा ते तेरा खून कभी भी कोठे की रौनक ना बनता। जा बाऊ अपने सिद्धे भरा नूं जाके कह दे नीलम ने अपने घर की इज्जत बना उस बाजार च आ जाए,
इस तरह तुहाडे खानदान की इज्जत नहीं रह जाएगी ते मेरा परम भी। तेरा परम रखने लई मैं उस गंदगी दे ढेर नूं अपने सिर ते नहीं चुक सकदा। वो गंदगी का ढेर नहीं मेरा खून है। अब तेरा खून नहीं कहानी भी खून है समाज पीन की सजा है। ये सजा वही कर सकते हैं जिन्हें बिना का पिस्तल सजाया होवे जिन्हें अपने खानदान की इज्जत शराफत सजा भी नीलाम किया हो। भाईजान मर गया तेरा भरा जिसकी इज्जत का जनाजा तो अपने हथी चढ़े अरे तू जेल की सजा कट के भी तेनों बाजार नहीं भुलिया। उस बाजार में मेरी इज्जत की कब्र है जिस पर फातिहा पढ़ने के लिए मुझे जाना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस बाजार में वापस ना जाऊं तो फिर मेरी इज्जत को उस बाजार से वापस ले आइए भाईजान। जिन्हें दौलत चाहिए है लहजा सुलेमान और मैं नीलम भाई के कोचे थे आप नहीं जा सकता नहीं जा सकता यार। तो फिर उस वक्त मेरी लाश को कफन और मेरे खून को दफन करने जरूर आ जाना भाईजान जब जमाने ने तवायफ कहकर मेरे खून को गाली देनी है गाली देनी है। तेरा खून नहीं जवानी भी सुन ले समाज पीन की सजा है। ये सजा वही कर सकते हैं जिन्हें बिना का पिस्तल सजाया होवे जिन्हें अपने खानदान की इज्जत शराफत सजा भी नीलाम किया होवे। वो गंदगी का ढेर नहीं मेरा खून है। मर गया तेरा भरा जिसकी इज्जत का जनाजा तो अपने हथी चले है। उस बाजार में मेरी इज्जत की कब्र है जिस पर फातिहा पढ़ने के लिए मुझे जाना ही पड़ता है और मैं नीलम भाई जब पहुंचे थे आप नहीं जा सकता तो फिर उस वक्त मेरी लाश को कफन और मेरे खून को दफन करने जरूर आ जाना भाईजान जब जमाने ने तवायफ कहकर मेरे खून को गाली देनी है गाली देनी है। नीलम भाई सकेंगे मेरे आंसू तुम मेरे आंसू तुम मेरा साथ देना उन्हें कुछ बताने की कोशिश करना मेरे आंसू तुम चौधरी साहब आओ आज थोड़े कदम तवायफ की दहलीज से किस तरह आ गए ने तुम्हें तो नफरत है इस बाजार से तुम प्योर शरीफ हो जेड़े तवायफ का थाए भी बर्दाश्त नहीं करते किसी वेले जहर भी अमृत समझ के पीना पै जाता है। मैं इस बाजार अज पहली दफा आया हूं मैं तेरे को तेरी तीदा रिश्ता लेने ही आया हूं चौधरी साहब। हां नीलम मैं दस मैं अपने बेटे की बरात लेके किस दिन आवे की कमाल ले तुसी जिस दिन भी आओगे उस दिन मेरे लिए आज का दिन होगा।
शाम होवे बस मेरे नाम होवे मैं पी के मस्त होवा बुलिया दा जाम होवे हो हुण जेड़ी शाम होवे बस मेरे नाम होवे मैं पी के मस्त होवा बुलिया दा जाम होवे हो मैं रुसे हुए प्राण मना आया वहां बदनामी दे उसता हूं मिटाण आया वहां जरा तेरी जवानी ने साढ़े मथे से सजाया सी मैं नीलम दिया सारिया शर्त मन आया वहां जान दे देने ने ऐसे कीमत ही बड़ी थोड़ी है तेरी वीरू ठीक कहें सिर्फ उन्हें दुआ करो कि हर शरीफ अपनी इज्जत नूं शराफत दे कफन लपेट के लै जावे ते फिर गुलामां दी मंडी बहुत छेती बंद हो जाएगी भाई साहब फिर रिवाज पै गया ते फिर ना कोई तुम्हारे फिरेगी ते ना तमाशबीन नेकी दा सिरा तुहाडे पुत्र दे सिर ते मैं आप बनांगा भगवान कंजरां दा मुंडा खाली बस लैके बदमाशा की जंग लैन गया तन रहना दिल बेकरार मेरा